न सके करनवा होइले, न सके करनवा होइले, नये रे मर में घुसल सैया धनवा हवाने सबके घरे घर में बोले घुसल सैया धनवा हवाने सबके घरे घर में घुसल सैया धनवा हवाने सके तू छोड़ी हो देता प्रभु के अपना ही हो लेता परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखो आपने देखा गिल्टी ठीक हुआ, सूजन ठीक हुआ, पथरी ठीक हुआ, नशा से लोग मुक्त हुए, बच्चे के साथ ब्लेसिंग मिले, क्या काम नहीं मिला। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, कहता तेरे एक विश्वास के कारण मैं सब कुछ दे सकता हूँ। सब बला हालेलुया। तो आप तैयार हो, आप तैयार हो अपने आशीष लेने के लिए, अपने हाथों को उठाओ, बोलो हम तैयार हैं। सब बला हालेलुया। पिता यीशु के नाम में इनके ऊपर तेरा अभिषेक मिला रहे, आमीन। सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाथ नीचे करो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर में कलेश कहाँ से आती है। कुछ बातें बताना चाहते, इस पर ध्यान देना। कलेश कहाँ से आती है? नफरत घर में कहाँ से आता है? लड़ाइयाँ घर में क्यों होता है? घर में विरोध क्यों होता है? घर में कलेश क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे घर में आज भी दुष्ट शक्तियां बैठी हुई है। लेकिन इसका मेन कारण होता है, कहता है कि लड़ाइयाँ उसके घर में अधिक होता है जो व्यक्ति नशा करता है। कहता है नशा करने वाले व्यक्ति अपने तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, आने वाले हर पीढ़ी को नाश कर देता है। जिसके घर में देखो तीन लोग अपने भाग खराब कर देते हैं, तीन लोगों को घर में कभी सुख और शांति नहीं मिलता है। पहला वो व्यक्ति जो दारू पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं मिलता है। ना उसका परिवार सुख से रहेगी, ना उसके बच्चा सुख रहते हैं, ना वो व्यक्ति खुद सुख रहता है। वो तो दारू पीकर कहीं ना कहीं सो जाता है, लेकिन औरत तनाएं सुनती हैं, बच्चे तनाएं सुनते हैं, घर में खाने को नहीं रहता है, वो सताव बढ़ते जाता है, उसके घर में कभी सुख और शांति नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति से मेरा गुजारिश है, उसको नशा छोड़ देना चाहिए। अगर वो अपने परिवार को सलामती चाहता है, अगर अपने परिवार में शांति देखना चाहता है, तो अपने नशा को तौबा बोलना जरूरी है। जब आप अपने नशा को तौबा बोलोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। सब बला हालेलुया। अभी आपके सामने देखा किसी ने 20 साल से दारू पीते थे, किसी ने 10 साल से, किसी ने 15 साल से नशा छोड़ के आए, उनके पत्नी आई और पत्नियों को होठों पर मुस्कान आया। क्या आया था पत्नियों को होठों पर? क्या देखा आप लोगों ने? मुस्कान। पत्नी का मुस्कान पति होता है, याद रखना। जो पत्नी होती है उसका मुस्कान उसका पति होता है। अगर पति अच्छा है, पति अगर अच्छा काम करता है, पति नेक काम करता है, पति उसका देखभाल करता है, पति बुराई से दूर रहता है, पति नशा से दूर रहता है, पति दूसरे औरत से दूर रहता है, तो पत्नियां हमेशा अपने पति से खुश रहती है। लेकिन जब पति नशा करता है, झगड़ा करता है, पत्नियों को मारता है, पत्नियों को बुरा भला बोलता है, पत्नियों को छोड़कर किसी और पत्नी के साथ कनेक्ट हो जाता है, पत्नियां बेचारी रोते 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 उसका जिंदगी नरक हो जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे आपके घर का गरीबी का मेन कारण है आपका नशा। दूसरा कारण है आपका आलसपन। आलस लोग करते हैं, आज लोग कमाना नहीं चाहते हैं।
एक पत्नी मेरे पास आई और वो उसके पांच बेटे थे और मेरे पास आई, करिए पापा जी इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करना है बताओ, वो करिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मैंने जब प्रार्थना कर रहा था मैंने पूछा बेटा बताओ इनके लिए क्या प्रार्थना करना है, करे पांच बेटा हो गया शादी से पहले ये 20,000 नहीं 50,000 कमाते थे, शादी हुआ तो 50,000 कमाते थे, लेकिन जहिया से बिया भइल बनो 200 रुपए नहीं कमाते। तो हमने बोला कि नहीं कमाते खर्चा कैसे चलता है, कहता है कहतिया कि देखो एक एक साल का, एक दो साल का, एक तीन साल का, चार साल का, पांच साल का, हर साल बच्चा ही होता है लेकिन कमाई नहीं होता है। मैंने कहा कितने बच्चे, करे पांच बेटे हैं। मैंने बोला और क्या करते हैं ये, कहते हैं कुछ नहीं। मैं पूछा आपको क्या होता है, कहते हैं कि मन करता खूब खाएं या खूब सूती। हम कहते तो पांच बच्चे कहां से, करे सोने से खाता हूँ सोता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मैं कह रहा ऐसा लोग ना अपना भविष्य बनाते हैं, ना अपने पत्नी का भविष्य बनाते हैं, ना माँ बाप का भविष्य बनाते हैं, ना बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इसलिए आलसी लोग कभी जीवन में खुशी नहीं रह सकते हैं, वो दूसरों को मुंह देखेंगे, दूसरे घर में मुर्गा बना तब महके के आनंद लेंगे, मुर्गा बनाता है ना। लेकिन आपको पता नहीं है को मुर्गा बनाने के लिए रोज कितना कमाता है तो मुर्गा बना रहे, आपके घर मुर्गा नहीं बनता है आप महकते कल हमारे घर बकरा बन जाए तो, लेकिन जेब चेक कर लिया जाता तो पैसा नहीं है, कहां से बकरा बनेगा, कहां से मुर्गा बनेगा, कहां से सब्जी आएगा, कहां से दाल आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप आलस हो, अगर आप कमाने वाले होते तो खाने वाले भी होते, लेकिन आलसपन का जीवन जो होता है हमारे जिंदगी को नर्क बना देता है। इसलिए आलस ना करो, आपको जो काम मिलता है करो, परमेश्वर उसमें आशीष देता है। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है, सिर्फ आप यीशु पर विश्वास कर लेने से आपका घर में शांति नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दुकान करना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगता करो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर से धन नहीं गिरा दूंगा, कहता है कर्म करोगे तो मैं तुम्हें दुगुना फल दूंगा, बोलो आमीन। लेकिन आलसी नहीं होना, कहता है आलस नहीं होता है, कहता है पियक्कड़ और आलस और पेटू, तीन लोग अपने भाग खोते हैं। पेटू होता सिर्फ खाने के लिए, बस उसका मन करता है खाली खाएं और रात भर मोबाइल चलाएं या दिन भर 12 बजे सूती। अगर जिसके घर में ऐसा बेटे हैं वो बेटा कभी अशिक्षित नहीं होगा, याद रखने इस बात को, जिसके घर में ऐसा लोग होते हैं उनके घर में कभी सुख शांति नहीं होता है। जो बेटा 12 बजे तक सोता है, जो औरत 10 बजे उठती है 8 बजे उठती है, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं आता है। इन बातों को ध्यान दो, परमेश्वर आपको आशीष देने वाले, बोलो आमीन। एक वचन पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 20 उसका 1 आयत में क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि हम 10 से 15 मिनट में आपको छुट्टी भी करेंगे, तो हम वचन पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, अभी फिर आपको गवाही बनेगा। हाँ हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, दाख मधु ठट्ठा करने वाला, कहता है दाख मधु जो होता है, दाख मधु जब दारू पीते हैं, कहता है दारू का नाम ही ठट्ठा करने वाला है, दारू का नाम ही विरोध करने वाला है, दारू का नाम ही नफरत करने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले के गवाही में बताता हूँ, एक से दो तीन दो हफ्ता पहले की बात है, एक एक पति ने दारू पी कर आया और अपने पत्नी का हत्या कर दिया। दारू पीने के बाद आदमी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, दारू पीने के बाद उसको समझ नहीं आता है, कहता दारू पी कर आया, पत्नी को बुलाकर ससुराल से लेकर आया और रास्ते में लेकर उसका हत्या कर दिया। हाल ही के बाद बता रहा हूँ, इसका मतलब उसने दारू पिया, उसके अंदर का शर्म खत्म हो गया, जो उसके अंदर प्रेम था वो खत्म हो गया था, दारू पीने के बाद सब कुछ खत्म। दारू पीने के बाद पत्नी का मारना जब आदमी शुरू कर देता है तो मन करता है कितना कूटती है, ग्रह ग्रह मैं भी एक आध बार किया था शुरू में लेकिन अब नहीं करता हूं। ऐसा होता है, कहता कहता मारो तो मन करता है कितना मारे, और पत्नियां बेचारी चुप चुप। लेकिन कुछ पत्नियां होती है उलट के कहती है मरब, पति कहता समझ जाता है कि अगर मरनी कहानी गड़बड़ भई। क्या लिखा यहाँ पर, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और मदिरा जो होता है वो हल्ला मचाता है, सब बल्हा ले लिया, कितने समझ रहे हो। इसलिए आप जब दारू पीते हो, दारू का मतलब होता है, लोग कहते हैं दारू का मतलब दावा, क्या कहते हैं दारू का मतलब दावा, लेकिन दारू का मतलब जहर भी हो सकता है, होता है कि नहीं, दारू का मतलब जहर भी हो जाएगा, दारू का मतलब दवा भी हो जाएगा। लेकिन कहता है कि लोगों को दारू नुकसान नहीं करता, लोग कहते हैं लोगों को शराब नुकसान करता है, क्या नुकसान करता है, कहता है शराब नुकसान करता है, कहते हैं दारू तो दवा होता है लेकिन जब व्यक्ति शराब पी लेता तो खराब हो जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे दारू पियो या शराब पियो आपको खराब होना ही होना है,
लेकिन अगर आज फैसला ले रहे हो कि नहीं हम सब कुछ छोड़कर त्याग कर जाएंगे तो परमेश्वर आपको जीवन बदल कर रख देगा। सब हालेलुया। आपको ध्यान देना इन बातों को और परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष देगा। फटाफट हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह उसका 5 उसका 11 में क्या लिखा है पढ़ो जल्दी से। कितने लोग दारू छोड़ना चाहते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा शरीर, ये शरीर, आपका शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है। यदि आप अपने शरीर को नाश करोगे दारू से, गुटखा से, बीड़ी से, सिगरेट को, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, कभी तुम्हारे घर में शांति नहीं मिलेगा। इसलिए दारू पर ध्यान नहीं दो, नशा पर ध्यान नहीं दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। आशीषित बनो, फलवंत बनो, प्रभु तुम्हें आशीषित कर देगा। सब हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर पढ़ो फटाफट। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। कहता हाय उस व्यक्ति पर जो सुबह उठकर दारू से मुंह धोते हैं। सुबह सुबह एक औरत आकर बता रही थी, मेरा पति जब सुबह उठता है तो बोतल के साथ उठता है, सोता है तो बोतल के साथ सोता है, है ना। ऐसा पति को मुंह में 2 बोतल डाल दो, उसे छोड़ दो, खाना भी ना दो, ऐसे नरक जिंदगी मत जियो। अपने जीवन को ब्लेस करो, प्रभु आपको आशीषित किया है। आपको इतना स्मार्ट बनाया है, दारू पीने के लिए नहीं बनाया, स्मार्ट बनाया कि राज करो। किस लिए बनाया? राज करो। और राज करने के लिए क्या करना होगा? हर बुरे चीज से दूर होना पड़ेगा, हर बुरे चीज से अलग होना पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं? जिंदगी में 3 काम मत करना। अगर जिंदगी में सबसे आगे निकलना है 3 काम मत करना। जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना। चोरी करोगे, करते रहोगे, एक दिन ऐसा होगा पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो ऐसा ना मरियस हो, हाथ पैर खत्म। फिर वो दिन से कहोगा कि कहाँ से कहाँ चोरी करनी है, जिंदगी खराब कर देंगे लोग। पहला नंबर चोरी नहीं करना। दूसरा नंबर किसी भी चीज का लालच मत करना। किसी के पास कितना भी धन है लालच मत करो, चाहे किसी का पति। आज बहुत सारे शिकायत आता है, औरत कहती है हमारे पति दूसरे से बतिया होता है। पत्नी कितना किसी का सुंदर हो वो मेरे लिए मिट्टी है, उसका मेरा कोई मतलब नहीं। किसी का पति कितना भी स्मार्ट है वो मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। आपका पति जैसा भी है वो सुंदर है, स्मार्ट है, हीरो है आपके लिए। आपके पत्नी चाहे जैसा भी है वो आपका रानी है, रानी। उसको रानी बोलना शुरू कर दो, वो रानी बन जाएगी। सब बलहा ले लिया। आप समझ रहे कि नहीं? आपके परिवार जैसा है आपको आपको ध्यान देखना। कहता 3 चीज, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब होता है गलत संबंध बनाना, किसी के साथ गलत रिश्ता बना लेना। जो लोग इसमें फंस गए उनका जिंदगी नरक बन जाता है। आज बड़े बड़े लोग पाप में गिरते हैं और नाश हो जाते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? नशा में पड़ जाते हैं, नाश हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ऐसे चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिंदगी में सबसे सफल होना चाहते हो तो इन चीजों से दूर रहना। आपका सफलता मिलने वाला 2025 आपका होगा। ताली बजाओ इसी के लिए जोर से। कहते हैं बाइबल लिखा है कि पाप जो होता है एक ऐसा बड़ा मीठा फल है। पाप मीठा लगता है, ऐसा लगता है कितना अच्छा लगा था बतियोले में रात भर। लेकिन बात बता दूं, पाप जहर है, नरक ले जाने का रास्ता है। वो आपका ऐसा जगह लेकर जाएगा जहां से ना आप सफल होंगे ना आपके परिवार सफल होगा। इसलिए पाप से बचो, नशा से बचो, बुराई करने से बचो, चोरी करने से बचो, हत्या करने से बचो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। ओके हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर जल्दी से पढ़ लो। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं। सब बलहा ले लिया। इफिसियों 5:18 में क्या लिखा है? इफिसियों 5:18 में क्या लिखा है जल्दी पढ़ के बताएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना। जो लोग दारू पीते हैं वो लोग मेरे पास आएंगे जब मैं बोलूंगा। जो छोड़ना चाहते हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगा, जैसे वो लोग नशा छोड़े। जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा आपका भी नशा छूटेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हाँ हाँ पढ़ो यस। जल्दी से कम लोगों को आने देना। जो लेडीज नशा करती है उनको भी आने देना। हाँ क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। ओके उनके गुप्त कामों गलत पढ़ रहे हो। 5:12 18 दाखरस से मतवाले न बनो। क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोलो आमीन। हर विश्वासी हर चर्च आज से आत्मा से परिपूर्ण होगा और ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाएं इसके लिए जोर से। आप सब आनंदित हो जाओ, खड़ा हो जाओ।
इतने चाहते हैं कि आज से हमारा जीवन सुधर जाए। जीवन उसका सुधरेगा जो इसका नाम लेता, जो यीशु का नाम लेता उसका जीवन सुधर जाएगा। जो व्यक्ति नशा करता है, दारू पीता है, उसको कुछ लोगों को मेरे पास आने दो, कुछ लोगों को मैं उसके लिए दुआ करूंगा। जो नशा छोड़ना चाहता है वो चर्च से उस अर्थ निकलो और मेरे पास आओ। लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ लोगों को एक ही लाइन होना चाहिए बस, कुछ लोगों को मेरे पास आने दो जल्दी से। जो व्यक्ति दारू छोड़ना चाहता है जेंट्स लोग, वो मेरे पास आओ। यहाँ खड़ा होकर जल्दी से खड़ा होकर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। आज से दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट छोड़ के जाना। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। या सुनो, इधर नीचे लाइन लगा, नीचे लाइन लगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, नीचे लगा, नीचे, थैंक यू जीसस। हाँ हाँ, लाइन लगा लो। आप लोग दारू छोड़ना चाहते हो लेकिन आपको कोई विश्वास भी नहीं करेगा। दारू पीने के बाद सच भी बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं बोले मानेगा। सुनो, एक गवाही बताता हूँ। एक लड़का था, उसका पत्नी पाप करती थी, उसके पत्नी किसी और के साथ कनेक्ट थी, पाप करती थी, व्यभिचार करती थी। वो जब आता था अपने माँ बाप से कहने के लिए तो पी कराता था, और पी कराकर माँ बाप से कहता था कि मेरे पत्नी ऐसा करती है, बोलता था सच, लेकिन माँ बाप कहते थे कि दारू पी के झूठ बोला था। आप समझो इस बात को, बोलते थे कि दारू पी के झूठ बोलता, और उसको उसके बात नहीं मानते थे, और पत्नियाँ पाप करती थी, पाप करती थी। वो रोज बोलता था माँ बाप से, नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो जहर खा कर आ गया, दारू पी लिया और जहर भी खा लिया। आकर अपने मम्मी से कहा, मम्मी मैंने जहर खा लिया, दारू भी पी लिया। मम्मी फिर कह रही थी दारू पी के मतवाला बनाया। एक घंटे के बाद उसको उल्टी आने लगा, 3 घंटे के बाद उसका मौत हो गया। कोई नहीं पूछता, सच बोलोगे, मैं जानता हूँ दारू पीने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका बात का कोई विश्वास नहीं करता, उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ कि इतना सुंदर शरीर है, हमारे किडनी कितना नॉर्मल है, फेफड़ा, कलेजा कितना नॉर्मल है, जब इसमें हम अल्कोहल डालते हैं ना तो उसको खदका देता है। क्या हमें कैंसर नहीं हो सकता है? किडनी खराब नहीं होगा, गुर्दा खराब नहीं होगा, लीवर खराब नहीं, क्योंकि इतना नाजुक चीज़ है, जब हम उसको डालते हैं उसमें वो खदका देता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसको मत बर्बाद करो। आपके भरोसे पता है आपका पूरा परिवार चलता है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके लोग, हित नाथ, सब आपके भरोसे हैं। आप नहीं रहोगे तो कहाँ जाएंगे लोग? इसलिए अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नशा छोड़ो और अपने जीवन को सुधार कर रखो। बोलो आमीन। आमीन। जीसस माय फादर, यीशु के नाम। अपने आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस रहने दो बेटा, गेट बंद करो, अभी रहने दो, थोड़ा पीछे होंगे हम, नीचे आऊंगा। एक गीत गाओ, ये वही गीत गा, ये जो धुन बजा रहे हैं वो वाला गीत, ये बोला तुम। ये आपको पता है कि ये विपत्ति कहाँ से आता है? दारू के कारण। जब एक व्यक्ति पूछने लगा कि ये दुख कहाँ से आया, ये विपत्ति कहाँ से आया, तो उसको बताना पड़ा, उसको लिखना पड़ा, उसको गाना पड़ा। गा के बता। हाँ सुनो, अब तैयार हो, आंखें बंद करो। पिता यीशु के नाम में मैं इन बच्चों के लिए दुआई करता हूँ, जिसके सर पे मैं हाथ रख दूँ, उसका प्रॉब्लम, उसका गरीबी, उसका कर्जी, उसका दुख छोड़ कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नयरे उमर में कुशल चैतनवा बाड़े, सबके घरे घर में कुशल चैतनवा बाड़े, सबके घरे घर में। आप लोग अपना तमाकू, बीड़ी, गुटखा दे दो, दे दो तमाकू, दे दो। हाँ, जो भी आपके पास है, डिबिया है, गुटखा है, पान है, जो भी है, बिना सरमाए दे दो, दे दो, उसमें डाल दो। हाँ, वो वहीं जाएगा, पीछे जाएगा, आगे वाला के ले लो, पहले हम दुआ करते जाएं। ले दो, परमेश्वर ब्लेस। हाँ, गा गा। न सके करनवा होइले, न सके करनवा होइले, नये रे उमर में गुस्सा सैयदनवा बाड़े,
सबके घरे घर में बोले नकल साईं के धनवा हमारे सबके घरे घर में नकल साईं के धनवा हमारे ताली बजा के सके तू छोड़ी हो देता प्रभु के अपना ही हो लेता गेट मत खोलो बच्चा अभी अब किसी को नहीं आने दो अभी हो पपुआ के छोड़ी हो देता प्रभु के अपनाई हो लेता हो न सके तू छोड़ी हो देता प्रभु के अपनाई हो लेता न सके करन वाहले न सके करन वाहले नहीं रे उम्र में सफाई तनवाहे सबके घरे अगर कोई लेडीज नशा करती है उसे आने दो अब देखो ये तम्बाकू ये गुटखा ये बीड़ी ये जहरी तो है आपका परिवार को बर्बाद करता है कितना लोग नशा छोड़ने का फैसला ले लिए जो औरत नशा करती हैं छोड़ना चाहती हैं वो आगे आएंगे नशा करती है तो बहुत छोड़ते छूटते ही नहीं बा का नशा करे ले सुरती खा लेने कब गुटका खा लेने ते अच्छा काम करे ले प्रार्थना करा भलवानी चल चुप तोरे जैसे आदमी तरक्की करेगा खड़ा रह हाँ और कोई औरत है नशा करने वाला उसको आगे आने दो आंख बंद कर कभी आज के बाद इससे नशा ना रहे छोड़ इसको कहां से आई कहाँ से आई ले दुखवा नहीं रे उम्र में उस छाया का ना बहबारे सबके घरे तालिया उस छाया का ना बहबारे सबके घरे घर में जी प्रभु जी तस्सु तंबाकू खाती है मालिक साहब खेत है तो भेज के सब पियो घर लगा का खा ले सुरती कितना दिन से खा ले चार पांच साल से तोरा घर में शांति बा नहीं क्या ना मन बसा सुरती के कारण तोरा घर में शांति भंग हो गया है खेत तो बेच गया हरदम पिए ले वो पिए ले क्यों पिए ले ते पिए ले ना पिए ले खाली सुरती खा ले
बड़े अच्छा बड़े अच्छा, सराहनीय काम करते हो बेटा। और ये बहन बता रही है कि 10 साल से हम सुरती खाते हैं। अरे कौ साल से? 10 साल। मायकवा कहाँ लगोले बड़ो हो? 10 साल से। 10 साल से सुरती खा ले, ये एक बात करो जी। 15 साल से बैठ तंबाकू गुटखा बीड़ी पी ले बाबा। बीड़ी? बीड़ी पिए लू। ए हम दांत पथले से सुरती खाए लगन। ये मर दांत खराब। दांत पथले से गोबरो खा लो। हां सुरती खा लो जिस पथत रे बहुत तेज। हां खा ली एक दिन तंबाकू छोड़ के। अब छूटते ना आएगा। हां हां ओ सुरती खाते हैं छोड़ना चाहते हैं। सुरतिया खाते हैं छोड़ना चाहते हैं। तेरे हम बीड़ी पिए नहीं, पेट में गैस है। तैयार है तेरे नया नचर पड़े ते काहे बीड़ी पी ले रे? बताओ एकर का उम्र पर बीड़ी पी लेके? आ छोड़ बे। हां छोड़ बे। ना छोड़ बे? छोड़म। हां ऐसे 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 तम्बाकू खाने। तम्बाकू देखो मर्द लोग भी नशा करते हैं। लोगों को पता नहीं है, जितना मर्द लोग नशा करते हैं ना उतने लेडीज लोग भी नशा करते हैं। अगर ये नशा नहीं छोड़ेंगे बेचारा घर में शांति नहीं मिलेगा। हाँ 15 साल से सुरती खाते रहे। कौन गुटका खा ले? सूद प्लस। अच्छा तो खा ले है जब सूद प्लस खो खाइबे। आज तो उनके तम्बाकू ना खिलाएंगे, तो उनके अमृत खिलाएंगे। अरे बात कराना फटाफट, जल देर मत कर, लेट मत कर। सुरती खाती है और ये भी सुरती खाती है। गुटका खानी है गुल। गुटका खाती है, गुल खाती है। हाँ गुल खाती है। बस रहने दे, बाकी लोगों को रहने दे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अभी तुम लोग पीछे हटो, अभिषेक का तेल दो बेटा। अभिषेक लिए साथ आए, आज अगर आए हो तो बीड़ी छोड़ कर जाना। छोड़ना कि नहीं जाना है? गुटका छोड़ना कि नहीं छोड़ना है? बोलो कैसे गा रहा था? बीड़ी के छोड़ी हो दे प्रभु के अपनाई हो दे। किस कारण विपत्ति आया? कैंसर किस कारण आया? सुरती के कारण। टीबी किस कारण आया? बीड़ी के कारण। सुरती के कारण मारे आइले यही रे ऊ मारा में ससुर से। अरे सबके घर घर खोल मुंह खोल और जोर से एक साथ हुआ माँ गाओ गाओ प्रार्थना हुआ नहीं हटाने लगे। माटी खाले? ठिकड़ा खाले? ना माटी। खाली माटी? कौन माटी? हजू का माटी? घर वो खाले? खाली वाले खाले? ये कहीं खाले रे? कौन कद माटी? हाँ इधर आधा अच्छा अच्छा ते कहाँ से आयल बड़े? हाँ बहिरा कहाँ ये अपना ससुरा के आ ससुरा छोड़ दाल बास हम बहिनियों दवाई करावे ले। ससुरा से आयल बड़े? हाँ आप बहिनियों को दवा करावे ले? हाँ बहिनी आप भाई बाम दवाई करावे से हम रखे। अच्छा हाँ चाहता वाटा चल ते तो उकलोग ना छोड़ो तो कभी दे अपना घर वाले के तोर का छोड़बे ना करिए से जाएंगे बोलवे तो का करिए सो ऐसे तो छोड़ दिए हैं। तू अपने जुबान को वैल्यू नहीं रखती है।
ते का हुए कौन शैतान हुए माटी में का दल बस मुआ के तोरा का मुआ के माटी में हल्ला दल बनो सो तब कैसे बहरा गले तब बहरा गले बड़े आत्मा बहुए एकरा को उड़ा के दिखाओ एकरा को उड़ा के दिखाओ उड़ाओ एकरा को उड़ाओ बीमारी में ते बीमार पड़े की बीमार दिया चल भाई साहब ते बीमार रहो चाहे बीमारी रहो ये प्रभु के घर में सुन 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 यहाँ से प्रभु तुम्हें दया करेगा आंख बंद कर आज माटी खिलाएंगे तेरे को बंद करें गा गा के गा ओ न सके करनवा होइले न सके करनवा होइले मर में कुसर धनबाबर घरे घर में कुसर धनबाबर घरे घर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो गेट खोल दे बेटा खोल दे कहाँ ससे आई आज मूड में बजाओ थोड़ा हालेलुया बोलो बोलो क्या गवाही है क्या गवाही है ये बता रहे गोरखपुर से आए हैं गवाही देने के लिए हाँ। ये बता रहे हैं कि मुझे साडिका हो गया था हाँ। हम उठ बैठ नहीं पा रहे थे हाँ। जब यहाँ आए आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराए आज हम अपने बीमारी से चंगा हो गए हैं सटका बीमारी किसको था ए लड़का जो है उसके पास किसको सटका की बीमारी था हरि नारायण की बीमारी था हरि नारायण गुप्ता हरि नारायण पाल हम वो नहीं की पूछो था हम पूछता नहीं कि सटका बीमारी केकरा रहल हो हरि नारायण के रहल हो कुल हरि नारायण के रहल हो हरि नारायण माने तोरे ने रहल हो तो सटका की बीमारी रहल प्रार्थना भइल देबे ठीक बड़ो कहां से आइल बड़ो गोरखपुर से गोरखपुर से गोरखपुर से ओके ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से हां तुम लोग हाथ उठाओ हाथ उठाओ तुम लोग भी नशा करते हो नहीं करते ना जितने लोग नशा करते हैं उनको मुंह में ले जाके आज पानी खोल के प्रार्थना करके प्रभु का लहू डाल देना डालोगे जैसे पानी मुंह में डालोगे उनके तबीयत सही हो जाएगा जिसके जिसका पति दारू पीते हैं प्रभु आज से उनको छुटकारा देगा बोलो आमीन आप तैयार हो यस तैयार हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं अपने पानी के ऊपर उठा लो हम लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं और अब हम बीफे के दिन प्रार्थना करेंगे बीफे के दिन हम प्रभु का महिमा में रहेंगे आप सदा आनंदित रहो प्रभु में बढ़ते जाओ परमेश्वर से दूर ना रहो मैंने जो आज्ञा बताया कि चोरी नहीं करना हत्या नहीं करना पाप नहीं करना व्यभिचार नहीं करना नफरत नहीं करना ईर्ष्या नहीं करना नशा नहीं करना इन चीज़ों से बचे रहो प्रभु आपको बढ़ाएगा बोलो आमीन।